हिमाचल प्रदेश के अंदर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने धर्मशाला की चिंता कर धर्मशाला के नौजवानों के लिए खेल के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए। 1998 से लेकर 2003 तक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उमा भारती खेल राज्य मंत्री थी। उस समय प्रदेश सरकार की भाजपा के आग्रह के ऊपर धर्मशाला में इंडोर स्टेडियम बना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में बनने से धर्मशाला का नाम विश्व मानचित्र पर उभरा है। ये शब्द हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता एवं भाजपा वरिष्ठ नेता संजय शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में फिर से भाजपा की सरकार प्रदेश में सत्तासीन हुई तो एथलेटिक ट्रैक बना, जहां पूरे देश और विदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विदेश दौरे पर जाने से पहले यहां पर प्रैक्टिस करने आते हैं। लेकिन जब धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने यहां के नौजवानों की चिंता करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के पास शराब का ठेका खुलवा दिया। उन्होंने कहा, यहां जो सबसे बड़ी धर्मशाला में बनने वाली पार्किंग थी उसका शिलान्यास पूर्व की भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन सुधीर शर्मा ने वहां पर गरीबों के लिए घर बनवा दिए। भाजपा ने गरीबों के घर बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह की व्यवस्था की थी, लेकिन उस स्थान को बदलकर पार्किंग बना दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक ठेके का विषय है तो क्या सरकार पुणे यहां गुड़िया कांड जो कि कोटखाई शिमला में हुआ था उसको दोहराना चाहती है? क्या गुड़िया कांड से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है? इन सारे मुद्दों को लेकर अगर उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो वे जन आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उन्होंने धर्मशाला की चिंता करी, धर्मशाला के नौजवान की चिंता करी। 1998 से लेकर के 2003 तक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उमा भारती जी केंद्रीय खेल मंत्री थी। उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आग्रह के ऊपर धर्मशाला के अंदर इंडोर स्टेडियम बनाया 2007 में। उसके बाद जो है यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना, अनुराग ठाकुर हम सब ने मिलकर के बनाया, यहाँ के नौजवान की चिंता करी, यहाँ के पर्यटन की चिंता करी। उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यहाँ एथलेटिक ट्रैक बना, उस एथलेटिक ट्रैक से यहाँ का नाम विश्व मानचित्र के ऊपर गया, पूरे देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ आकर के जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, कहीं भी विदेशी दौरे पे जाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, धर्मशाला का नाम ऊपर गया। लेकिन जब से सुधीर शर्मा की सरकार आई, सुधीर शर्मा मंत्री बने, यहां से विधायक बने, उन्होंने यहां के नौजवान की चिंता करने के लिए उस रोड के ऊपर जो है वो ठेका खुलवा दिया। यहां जो सबसे बड़ी धर्मशाला में बनने वाली एक पार्किंग थी उस पार्किंग का शिलान्यास पूर्व की सरकार ने किया था, लेकिन उन्होंने वहां पे गरीबों के लिए घर बनाने की एक योजना थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे स्थान पे उनकी जो व्यवस्था की थी, लेकिन उस स्थान को बदल करके उस पार्किंग को जो है लो कॉस्ट हाउसेस की साइट में तब्दील कर दिया। उसके सामने शमशान घाट है। तो इस सरकार की संवेदनशीलता किस तरह की है इसके ऊपर आप खुद विचार कर सकते हैं। जहां तक ठेके का विषय है, क्या सरकार पुनः यहां गुड़िया कांड जो है वो कोटखाई का दोहराना चाहती है? क्या गुड़िया कांड से सरकार ने जो है वो कोई सबक नहीं लिया? इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो हम अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम जन आंदोलन करेंगे।